बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 बहाल मैन टी एस गेट इलियट के लिए फूड वर्म है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पोइट के बारे में, टी एस इलियट बहुत बड़ा पोइट है, नॉट ओनली ही इज गुड बट आल्सो क्रिटिक ड्रामाटिस्ट एंड प्रोज राइटर एज वेल। ये मल्टी डायमेंशनल राइटर है। हाल मैन खोखले आदमी इसकी वर्म है, मशहूर इसकी एक पोएम है द वेस्ट लैंड और फोर क्वार्टर्स से इसके एक पोएम है। तो ये जो हॉल ऑफ मैन है ये नहीं है, वेस्ट लैंड से ली गई है पोएम इसकी जो है। तो इसमें मॉडर्न मैन जो मॉडर्न आदमी है, मॉडर्न मैन है उसके बारे में कहता है कि हम खोखले आदमी हैं। खोखले आदमी से क्या मुराद है? ऐसे आदमी जो लेजी और इनएक्टिव हैं उनको वो खोखले आदमी कहते हैं। हॉल ऑफ मैन कहता है जो लेजी इनएक्टिव सोललेस मॉरललेस और जो बिल्कुल कुछ ना कर गुजरने का जज्बा रखते हैं उन लोगों को, कुछ नहीं करना चाहते उन लोगों को हॉल ऑफ मैन कहता है। वो कहते हैं खोखले मैन आदमी, मॉडर्न मैन जो है वो खोखला आदमी है। और वो इकट्ठे झुकते हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, उनकी शेप है लेकिन उनको कोई शक्ल नहीं है। और जो मॉडर्न मैन यानी जो हॉल ऑफ मैन है वो ऐसे हैं जैसे चूहा एक तहखाने में, कबाड़ खाने में शीशे के ऊपर चलता है चूहा, तो जो वो आवाज़ पैदा होती है वैसे है, वैसे खोखले आदमी हैं। फिर वो कहते हैं कि खोखले आदमी ऐसे हैं जैसे उनके जहन में, उनके खोपड़ी में कोई भूस भरा हुआ हो, भूसा भरा हुआ, हंस भरा हुआ हो, कोई घास भरा हुआ हो, दिमाग नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है उनकी खोपड़ी में, उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। वो कहते हैं कि वो लोग जो हमसे पहले चले गए थे जहान फ़ानी में, अगले जहान में, जहान फ़ानी से वर्ल्ड आफ्टर अदर इस दुनिया से अगले जहान में जो चले गए हैं उनके जो काबरीन थे उनका जिक्र करता है। वो कहते हैं कि अगर वो तो पहले तो हमें वो याद नहीं करते होंगे, अगर कभी वो कर भी ले तो हमें खोखले आदमी के तौर पर याद करेंगे कि हमारा रूह, हमारा अखलाकियात, हमारा जज्बा, हमारा जोश ख़त्म हो चुका है, हमारे अंदर नहीं है, तो हम मुर्दा हो गए हैं, हमारे अंदर कोई रूहानियत नहीं है। तो ये ऊपर इसी मॉडर्न मैन जदीद आदमी जो है, ये जो आर्टिफिशियल लाइफ गुजारने वाला इंसान उसके बारे में है। द हॉल ऑफ मैन खोखले आदमी, ये खुलासा ये मैंने अल्फा एंड ओमेगा कोर एंड क्रैक्स आपको बता दिया। हम इसको स्टडी करते हैं। द हॉल ऑफ मैन खोखले आदमी, वी आर दी हॉलो मैन, वी आर दी स्टफ्ड मैन लीविंग टूगेदर हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा अलास। वी आर दी हॉलो मैन, देखें पहली लाइन, देखें पैरिस कर्जा है, पैरिस कर्जे का पहली लाइन है वी आर दी हॉलो मैन, हम खोखले आदमी हैं। टी एस गेट कह रहे हैं कि हम वी मतलब मॉडर्न मैन, हम जो मॉडर्न मैन हैं, जो मशीनरी दौर के, जो मशीन्स दौर के लोग हैं, हम मॉडर्न मैन जो हैं हम खोखले हैं। खोखले मीन हम, वी आर लेजी, वी आर इनएक्टिव, वी आर सोललेस, वी हैव नो स्ट्रेंथ, वी हैव नो फोर्स, वी हैव नो पैशन, नो इमोशन, वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, स्टफ्ड माना धनसा हुआ मैन, हम घास फूस के भरे हुए, खस्त मतलब भरे हुए आदमी हैं हम, जो जदीद आदमी हैं हम, सटाप हैं भरे हुए, भूसा भरा हुआ है। लीनिंग टू गेदर, हम इकट्ठे ही, लीन माना झुकना, बेंड बो, हम इकट्ठे ही जुड़ते हैं। यानी जितने सुस्त आदमी कुछ खड़े हुए हैं, कुछ खोखले आदमी खड़े हुए हैं और वो इकट्ठे ही जुड़ते हैं। जो एक बंदा बात कह देता है वो सारे बंदे उसी बात को ही कहते हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, हमारा ये जो हेड पीस सर, हमारे सर में स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कसम हंस के ये आखिर में लिखे हुए हैं, वो आखिर में लिखे होंगे स्क्रीन पे, आखिर में लिखे होंगे। तो स्ट्रॉ मीन्स ग्रास हस्क, यानी हमारे जहन में, वो कहता है हमारे जहन में ये जो खोपड़ी है दिमाग की, यहाँ ब्रेन नहीं है, हेड पीस जो है ये ब्रेन या माइंड नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर घास फूस, घास और भूसा भरा हुआ है। हम अगर अपने जिस्म पे गौर करें तो अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर हमारी
खोपड़ी रखी है, दिमाग रखा है इसके ऊपर, दिमाग है। अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद में भी फरमाया था कि अक्लमंद लोगों की निशानी है। तो जो अक्ल से लोग काम लेते हैं, सबसे ऊपर हमारा जिस्म का जो हिस्सा ऊपर है वो दिमाग है, तो इतनी अहम है जितनी वो ऊपर है। जो जिस्म का हिस्सा जितनी ज़्यादा ऊपर है उसकी ज़्यादा उतनी अहमियत है। देखें सबसे ऊपर दिमाग है, उसके बाद फिर आँखें हैं, इस तरह ये सारे जो नीचे हैं सबसे। हमेशा दिमाग से काम करने वाले ही लोग इज्जत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उनकी शोहरत होती है। हाथ से काम करने वाला कभी भी नहीं होता है, मतलब जो मजदूर में कह रहा हूँ। अच्छा, तो वो कहता है कि हम खोखले आदमी हैं, वी आर दिस स्टफ्ड मैन लीनिंग टुगेदर, हम भूसे के भरे हुए लोग हैं और इकट्ठे हम झुकते हैं। हमारा जो दिमाग है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है। अफसोस, अलास अफसोस। ये चार लाइनें हैं, फर्स्ट फोर लाइन्स आपका इस पोएम, उसमें वो यही कहता है कि हम जो मॉडर्न मैन हैं, हम जो जदीद आदमी हैं, जो इस मशीनरी दौर की पैदावार है, जो पैदा हुए हुए हैं, आर्टिफिशियल लोग हैं, हमारा दिमाग नहीं है, उसमें घास फूस भरा हुआ है कि हम कोई दिमाग से सोच के कोई फैसला करें। बस हम लीन हैं, इकट्ठे ही जुटते हैं, जो कोई बात कर देता है उसी को परस्यू करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। अवर ड्राई डिवाइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर, हमारी खुश्क आवाज़ें हैं जब हम इकट्ठे बोलते हैं। विस्पर इकट्ठे बोलना, विस्पर मरमर, विस्पर का सेमी मरमर होता है। हमारी आवाज़ें खुश्क हैं। व्हाट डज मीन बाय ड्राई वॉइस, ड्राई वॉइस यानी ऐसी आवाज़ें जिनका असर ना हो, ऐसी आवाज़ जो आवाज़ नसीहत हो, कोई अगर कोई पार्सन है, कोई प्रीस्ट है, कोई रिलीजियस कोई लीडर है या कोई पोलिटिकल लीडर है, जिस दौर की बात करें TSEAT के, हम कोई मजहबी हो, कोई सियासी हो, कोई मुआशरती, कोई सोशल वर्कर हो, तो हमारी ड्राई वॉइसेज हैं, हमारी खुश्क आवाज़ें हैं। हमारी आवाज़ों में वो रूहानियत नहीं है, वो रूह नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है, वो फोर्स नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो जोश जज्बा नहीं है, वो पैशन नहीं है कि लोगों को असर करे। हम तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनका लोगों पर असर नहीं होगा। ड्राई वॉइस के यही मतलब कहना चाह रहा है कि वी विस्पर टुगेदर, हम इकट्ठे बात करते हैं। ऊपर वाली लाइन देखें, आवर ड्राई वॉइस वॉइस हमारी खुश्क आवाज़ है। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं, और क्वाइट एंड मीनिंगलेस, वो बिल्कुल मीनिंगलेस बेमानी होती हैं, क्वाइट खामोश होती हैं, साकिन होती हैं। हमारी जो आवाज़ें होती हैं, हम हालांकि बोल रहे होते हैं, फिजिकली हम बोल रहे होते हैं, लेकिन दूसरों पे उसका इम्पैक्ट, दूसरों का उस पे इन्फ्लुएंस नहीं होता, उस पे असर नहीं होता। अब ये सिमिली का इस्तेमाल कर रहा है, सिमिली किसी चीज़ को किसी से तशरीह देना। वो कहते हैं हमारे आवाज़ों का ये हाल है, एज विंड, जैसा कि हवा है, ड्राई ग्रास, जैसे कि खुश्क घास में से हवा चलती है, खुश्क घास में से जैसे हवा चलती है, तो जैसे आवाज़ पैदा होती है हवा चलने की खुश्क घास में से, हमारा भी वही हाल है। आर रैट्स, या जैसे चूहे फीट, जैसा कि चूहे का पाँव ओवर ब्रोकन गिलास, टूटे हुए शीशे पर, जैसे चूहे का पाँव टूटे हुए शीशे पर होता है। एंड आवर ड्राई सेलर, हमारे खुश्क तहखाने में, बेसमेंट में, सेलर में बेसमेंट में। तो इन लाइनों में ये जो चार लाइनें अभी पढ़ी हैं, वो कहता है कि हमारी आवाज़ों का यही हाल है, जैसा कि खुश्क घास में से हवा चलती है, या चूहे कबाड़ खाने में, या जो सेलर होता है जहाँ बेसमेंट में, जैसे शीशा टूटा हुआ होता है वहाँ चूहा चलता है, जैसे वो आवाज़ पैदा होती है चूहे के शीशे पर, चूहे के चलने की जैसे आवाज़ होती है, या जैसे खुश्क घास पर हवा के चलने की आवाज़ होती है, हमारे भी आवाज़ों को यही हाल है। हमारे भी आवाज़ों में असर नहीं है, हमारी आवाज़ों पे से लोग चेंज नहीं होते। जैसा कि कोई 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 रिलीजियस है, मैंने पहले भी बताया, कोई रिलीजियस कोई हेड है, या कोई पॉलिटिकल है, या कोई सोशल वर्कर है, किसी भी लेवल का कोई बंदा है, तो उनके आवाज़ों का असर नहीं होता दूसरों पर। शेप डॉट फॉर्म, हम जो मॉडर्न मैन है, हमारी शेप तो है, हमारी शक्ल तो है, ढेर तो है, गोश्त तो है, फ्लैश पाई का फ्लैश, वो कहते हैं हमारा, लेकिन उसकी फॉर्म नहीं है। जैसे एक चीज़ होती है, शक्ल होती है ना, मादा है, मादा की मुख्तलि फॉर्म होती है ना, कोई चीज़ है, हम कुर्सी बना देते हैं, लकड़ी को हम देखते हैं, लकड़ी की कोई कुर्सी बना देते हैं, कोई मेज़ बना देते हैं, कोई डाइस बना देते हैं, कोई दरवाज़ा बना देते हैं। अब लकड़ी की जो शेप थी उसको हमने एक फॉर्म दे दिया, लकड़ी की जो हैयत थी, जो उसके शेप थी, उसको हमने शक्ल दे दी। तो इसी तरह कहते हैं कि हम जो इंसान हैं, हम या तो कोई मस्ती रहनुमा की शक्ल में आए, या अगर हम एक डॉक्टर हैं,
डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वर्कर, एक रिफार्मर, एक टीचर, यानी वो ये कह रहा है कि हमारी शेप तो है लेकिन हम किस फॉर्म में, हमारी फॉर्म नहीं है, हमारी शक्ल नहीं है, बेतरतीब शक्लें हैं, हमारा खिचड़ी पकी हुई है, शेड हमारा साया तो है विदाउट कलर लेकिन उसका कोई रंग नहीं है, बेरंग है, हमारा साया है लेकिन उस साया का कोई रंग नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस असर नहीं है। तो क्योंकि हम अपने वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो करोड़ ऑफ द क्रिएचर है, उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक मकाम है, अल्लाह ने 70,000 मखलूक पैदा की, 18,000 सूरी मखलूक पैदा की, 18,000 मखलूक में से इंसान है जो मैं है, करोड़ ऑफ द क्रिएचर है, अशरफ मखलूकात है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ों को असर नहीं है। टी ए सीट कहता है पैरालाइज, हम फालिग जैसा है, हम मफलूज हो गए, फोर्स मफलूज को हमारे ऊपर कार्य हुई, जैसे हम इशारे करते हैं विदाउट मोशन लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मोशन हम इशारे करते हैं, जैसे देते हैं, जैसे बना हैंड इशारा करना, हम इशारे देते हैं लेकिन उसकी कोई सेंट नहीं होती, हम ऐसे सोल लेस, हम स्पिरिचुअल लेस, स्ट्रेंथ लेस, वैल्यू लेस, वर्थ लेस लोग हैं, मॉडर्न मैन जो हैं, हमारा कोई हाल नहीं है, ह्यूमन बीइंग हो के भी हम वो काम नहीं कर रहे जो एक इंसान को करना चाहिए। दोस्त हु हैव क्रॉस्ड अपर्ड, कहते हैं वो लोग जो चले गए इस दुनिया पानी से, हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आईज, उन्होंने बराह रास्त आंखों में आंखें डाल के, टू डेथ्स अदर किंगडम, जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डाल के इस दुनिया से अगली दुनिया में, अगली किंगडम में, अगली रियासत के लिए लोग चले गए हैं, वो अपना काबरीन का जिक्र करता है। उसके जो काबरीन थे जैसे डेंटे है, डेंटे थे, डेंटे था, उसके बाद मिस्ते था, ये बहुत बड़े फिलासफर थे, ये बहुत बड़े लीडर थे, ये उनका जिक्र करता है जैसे हम मुसलमानों के हैं, हमारे हैं बड़े बड़े लीडर जैसे हमारे मुसलमानों के हैं, सुल्तान महमूद गज़नवी है, तारिक बिन ज़ियाद है, ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे, हमारे बड़े बड़े जो रिलीजियस पीपल थे, तो वो भी उन्हीं का जिक्र करता है। वो कहता है कि वो लोग जो इस दुनिया को छोड़ के मौत की आंखों में आंखें डाल के अगली दुनिया में चले गए, रिमेंबर अस, वो हमें याद रखते हैं, इफ एट ऑल, अगर कभी वो याद करें भी सही, यही वो लोग जो यहाँ इस दुनिया से मर गए हैं, वो लोग जो अच्छे थे, जो क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक वो काम करते थे, जिनकी बात में वजन था, जो विगर थे, जो बड़े पैशनेट थे, इमोशनल थे, जिनका एक विजन था, जिनका एक एम्बिशन था, जिनका एक एम था, वो कहता है कि वो इस दुनिया को छोड़ के अगली दुनिया में चले गए हैं, अगर वो हमें याद करते होंगे, अगर वो कभी करें भी सही, यानी वो जो लोग मर गए हैं अगर वो याद करते थे, नॉट एज एज लास्ट, बस वो हमें महव शक्ल हमें याद नहीं करते होंगे, वायलेंट सोल्स बड़े जोश जज्बात वाली कुव्वत रूह के तौर पे हमें नहीं, वो कहता है कि वो जो लोग मर गए हैं वो हमें वायलेंट सोल के तौर पे याद नहीं करते होंगे, हमें जो बड़े जोश जज्बे वाली कुव्वत के तौर पे हमें याद नहीं करते होंगे हमें, बट ओनली एज द हॉलो मैन द स्टफ्ड मैन, वो कहता है कि हमारे जो अकाबरीन थे हमें जब वो याद, इस दुनिया को छोड़ के अगली दुनिया में चले गए हैं, मौत की आंखों में आंखें डाल के चले गए हैं, वो हमें याद करते होंगे, तो हमें कोई एक जोश जज्बे वाले इंसान के तौर पर याद नहीं करते होंगे, हमें वो याद करते होंगे कि ये खोखले आदमी हैं, ये हालत मैन है, ये टी एस सीट कह रहा है। यहाँ कुछ मिथ्स का भी इस्तेमाल हुआ है ग्रीक मिथालोजी में, एक दरिया का नाम है दरिया एस्फल, इसको बोलते हैं दरिया एस्फल है, सटाइक्स एस टी वाई एक्स सटाइक्स दरिया एस्फल है, उनका बिलीफ है, जैसे हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि हम पुल सराब से गुजर के जन्नत में जाएंगे, तो उनका भी ऐसे अकीदा है कि दरिया एस्फल है, जो लोग नेक लोग हैं वो दरिया एस्फल को क्रॉस करके वो जन्नत में जाएंगे, वो हेवन में जाएंगे, हेल से निकल के हेवन में जाएंगे, दरिया एस्फल को क्रॉस करके सटाइक्स दरिया है उसका नाम है, तो वहाँ उसको क्रॉस करके जाएंगे, तो उन्हीं जो उनके मुतबर थे, उनके जो अकाबरीन थे, उनके जो प्रीचर्स थे, उन्हीं के बारे में कहता है।
तो ये पोएम थी जो आपको पढ़ा दी गई है, बता दी गई है। इसमें से रिफरेंस टू कंटेक्स्ट का 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है, उसमें एज यू आर जैसे आपको बताया जाता है आपने लिखना है दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम या दिस सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द मॉडर्न मैन रिटन बाय या कंपोज्ड बाय टी एस एलियट। उसके बाद कंटेक्स्ट में मेन आइडिया मेन थीम देना, मेन थीम लिखना है कि इन दिस पोएम द पोएट क्रिटिसाइजेस द मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन आर सोल लेस स्पिरिचुअल लेस पावर लेस एंड फोर्स लेस वीगर लेस। ये जो मॉडर्न मैन है उसमें जोश में जज्बा, दे हैव शेप बट नो फॉर्म, दे डू नॉट फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो इस तरह ये मेन थीम आपने लिखना है, दे आर जस्ट हॉलो, दे हैव नो ब्रेन इन देयर स्कल इन देयर हेड पीस बट इट इज ए फिल्ड विद स्ट्रॉ। कि उनके जहन में कोई दिमाग अक्कल नहीं है लेकिन ये घास फूस का भरा हुआ है। या आपने थीम लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन अपनी लाइन की करनी है जो दी हुई हूँ, फर्ज करने जो भी लाइन दी हुई है वो आपने ये लिखना है इन दीज लाइन्स द पोएट सेज जिस भी पर्सनेस में अगर इस पर्सनेस में हो तो आपने ये लिखना है। अगर आखिरी लाइनों को देखें, आखिरी जो छः लाइने हैं उनको अगर आप एक्सप्लेनेशन करें अंग्रेजी में तो आपने लिखना है इन दीज लाइन द पोएट सेज दैट आवर एंसेस्टर्स वर वेरी पायस वेरी नोबल, दे हैव क्रॉस्ड दिस इटर्नल वर्ल्ड, दे हैव क्रॉस्ड दिस वर्ल्ड एंड हैड शिफ्टेड टू अनदर किंगडम इन अनदर इटर्नल वर्ल्ड, दे वर वेरी ब्रेव, दे वर वेरी विगर, दे वर पैशनेट, दे वर वर्चुअस एंड नाउ दे हैव क्रॉस्ड एंड दे हैव पुट देयर आईज विद द आईज ऑफ द डेथ एंड दे आर नो मोर हियर विद अस। तो इसी तरह इफ दे रिमेंबर, दे रिमेंबर अस एज अ हॉलो मैन नॉट एज अ विगरस विगरस नॉट एज अ ब्रेव नॉट एज अ पैशनेट नॉट एज एनर्जेटिक मैन। तो ये एक्सप्लेनेशन करनी है, रिफरेंस पहले लिखना है फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है फिर एक्सप्लेनेशन करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है इसका, ये जो एक्सरसाइज है ना शॉर्ट में समरी नहीं आती इसकी बिल्कुल भी, क्रिटिकल नोट भी नहीं आती पोएम की। जो साथ में शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट, व्हाई डज द पोएट कॉल मॉडर्न मैन एज हॉलो मैन, बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है कि पोएट जदीद आदमी को खोखला भी होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, द पोएट कॉल्स द मॉडर्न मैन एज हॉलो मैन बिकॉज द मॉडर्न मैन आर सोल लेस स्पिरिचुअल लेस worthless, valueless, and strengthless. They have no vigor, they have no aim, they have no ambition, they have no energy to do something, to make their name in this world. So the poet says that modern men are the hollow men. Inshallah, next month ke saath milte hain. Ye aaj ki hamari program.